नमस्कार वंदे मातरम। सबसे पहले तो आपको एवं आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली आज है, हम सब लोग मनाते हैं, लेकिन जो असली दीपावली मनाने का तरीका है, या यूं कहें कि जिस प्रकार से मनानी चाहिए, वह हमें अयोध्या जी से देखने को मिली है। साथियों, अयोध्या जी का नाता दीपावली से बहुत पुराना है एवं बहुत गहरा है। आपको पता होगा, जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या लौटे थे, तो इस खुशी के मौके पर अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 दशक से हमें देखने को मिला है कि दीपावली हम लोग मना नहीं रहे, दिखावा कर रहे हैं झालर के माध्यम से। हम लोग अपने पौराणिक चीज़ों को भूलकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में चले गए हैं, व्हाट्सएप वाली कैटेगरी में आ गए हैं। यह कहाँ तक सही है, ये तो आपको ही पता होगा। साथियों, दीपावली से हमारा इकोनॉमी जुड़ी हुई है, क्योंकि जो इस दिन का इंतज़ार करते हैं, जो अपने कला के माध्यम से बाज़ार में के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, दिए के माध्यम से या और कुछ मिट्टी के चीज़ों के माध्यम से, उनका दिल टूट जाता है जब वो लोग देखते हैं कि पूरा बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक के पीछे भागता हुआ जा रहा है। हमारा और आपका यह फर्ज बनता है कि हम उनका भी ख्याल रखें। साथियों, हमें पौराणिक चीज़ों को बचा कर रखना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में चले जाएंगे, लरी बत्ती के अगर चक्कर में पड़ जाएंगे, तो हमारा जो मेन चीज़ था, जो मूल था, उसे हम खो देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है आज कि आप दीप के माध्यम से दिवाली मनाएं, इससे हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी और उनके परिवार तक भी चूल्हे जलेंगे, क्योंकि उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि झालर वगैरह तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, दीपावली के दिन नहीं तो अगले दिन वो लोग सेल कर लेंगे, लेकिन जो इस दीपावली का इंतजार करके दिए बनाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, ये भी सोचना हमें होगा। साथियों, लेकिन हम जिसकी वजह से दीपावली मनाते हैं, उनको भी याद करना हमें बेहद ज़रूरी है। जिन सैनिकों की मदद से आज हम चैन से बैठ के दिवाली मना रहे हैं अपने परिवार के साथ, वो भी उनका भी कोई परिवार है, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक सहानुभूति या उनके साथ रहने का एक उपयोग या प्रयोग, उनके नाम से भी एक दिए जलाएंगे, उन्हें भी एहसास होगा कि पूरा भारतीय लोग उनके साथ हैं। इस दिवाली के मौके पर एक दिया उन सैनिकों के नाम से भी जलाना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम लोग चैन से यहाँ बैठे हुए हैं, और वो वहाँ -52 डिग्री पे और इतनी भीषण गर्मी, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दोनों सहन करते हैं। किसके लिए? तो हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए। तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम इस खुशी के मौके पर उनको भी शामिल करें और उनके नाम से भी दिए जलाएं। एक उनके लिए एक मैसेज साबित होगा। साथियों, आपको और हम आपके पूरे परिवार को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आप खुश रहें, मस्त रहें। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। हैप्पी दीपावली।